नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने परिवार द स्पीड स्टडी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम लोग जो है आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है कि स्क्वायर एंड रूट्स सिंप्लीफिकेशन। तो अर्थात दोस्तों, कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अर्थात दोस्तों, आप जानते होंगे कि हम लोगों को 100 क्वेश्चन दिया रहता है और 100 क्वेश्चन दोस्तों 60 मिनट में सॉल्व करना रहता है। अर्थात इतने कम समय में हम कैसे अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पर 40 से 45 सेकेंड मिलता है कि 40 से 45 सेकेंड में अगर आप अपना एक क्वेश्चन कर ले गए, तब जा कर के आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपकी स्पीड अर्थात आप समय को कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों, वो चीज़ आज हम देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब हम सीख लेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताते हैं कि गुणा कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर कहीं लिखा है दोस्तों, कहीं लिखा है 27 गुणे 23 कहीं लिखा है, या 27 गुणे 83 कहीं लिखा है, तो अर्थात दोस्तों 27 गुणे 38 कहीं लिखा है, अर्थात ये कम समय में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर कहीं दोस्तों लिखा है 83 × 88। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये नहीं पता कि हम ये गुणा कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का गुणा हो आप इससे गुणा करिए। तो 8 × 3 कितना हुआ दोस्तों, 24। 24 का 4 यहाँ लिखेंगे 2 हासिल। उसके बाद दोस्तों तिरछा गुणा करना है आपको, इसका इसका गुणा करना है 8 × 8, तो 8 × 2 दोस्तों 64। फिर इसका गुणा करना है 8 × 3 = 24, और ये जो 2 हासिल है इसको भी जोड़ देना है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 8, 2 × 10 = 0, हासिल लगे 1 × 6 = 7 = 2 = 9, 90 आ गया, 90 की 0 दोस्तों आपकी हासिल आपका 9 बन गया। फिर देखिए 8 × 2 = 64, और 64 में दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 73। अर्थात दोस्तों 83 × 88 करेंगे तो ये आ जाएगा 73 = 04। कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस मैं बताऊंगा, उसके बाद आप 10-12 क्वेश्चन अपने आप से बना के हल करिएगा, तो इस पर आपको स्पीड बन जाएगी। और स्पीड बन जाएगी दोस्तों तो आपको 20 सेकंड से भी कम का समय लगेगा ये सॉल्व करने में। अर्थात आप 83 × 88 कर सकते हैं मात्र 20 सेकेंड के कम समय में। तो चलिए दोस्तों इस पर एक कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 77 × 78। जी हाँ दोस्तों, अब 77 × 78 लिखा है, तो आप देखिए 8 × 7 करेंगे पहले, तो 8 × 7 = 56, 6 हासिल लगे 5। फिर देखिए दोस्तों 7 × 56 = 56। अब 56 + 56 करेंगे दोस्तों तो 55 × 2 = 110, और 2 × 2 = 112 हो जाएगा। उसमें 5 जोड़ देंगे दोस्तों 117 हो जाएगा, 117 × 7 = 11। फिर देखिए दोस्तों 7 × 7 = 49, और 49 में 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 60। अर्थात दोस्तों 77 × 78 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 × 76। जैसे अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 82 × 87। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए 7 × 2 = 14 = 4 हासिल लगे 1 दोस्तों, और 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 56 × 6 = 62, 62 + 10 = 72, और 72 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो 73 हो जाएगा। 73 की 3 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 3 यहाँ लिखेंगे, और 73 की 3 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और 7 हमारा जो है हासिल चला जाएगा। फिर 8 × 2 = 64, और 64 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो 71 हो जाएगा, अर्थात 71 = 34 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एकदम सेम टू सेम इसी तरह दोस्तों। जैसे अगर कहीं लिखा है 24 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, इसका दो तरीका है, या तो आप 24 × 24 कर लीजिए, और जिस तरह भी मैं बताया, पहली चीज़ तो 30 तक का स्क्वायर सबको याद रहना चाहिए, ठीक, 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं याद है तब फिर कैसे निकालेंगे, तो 4 × 16 = 6 हासिल लगे 1 गया दोस्तों, 2 × 8 = 2 × 8 = 8 16 = 1 17 + 7 = 1, और 2 × 2 = 4 + 1 = 5, तो 576 हो जाएगा हमारा 24 का वर्ग। लेकिन दोस्तों ये तो लगेगा कब, जब हमको बड़ा वर्ग दिया गया रहे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन रहता और इसमें 33 का स्क्वायर दिया रहता, तो क्या करते हैं आप? तो दोस्तों याद रखिएगा 33 × 33 करते हम, और 3 × 3 = 9 हो जाता,
3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 9 यानी कि 9 2 18 हो जाता है, 18 के 8 से लेकिन 1 और 3 3 9 1 10, अर्थात दोस्तों 10 89 का आंसर आ जाता। वहीं अगर हम देखें दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर कहीं कर दिया जाए 27 गुणे 23, अगर आखिरी वाले का योग 10 आ रहा हो, कितना दोस्तों 10, अगर आखिरी वाले का योग 10 आ रहा हो और आगे वाली संख्या बराबर हो दोस्तों, तो इसका गुणा बहुत आसानी से करेंगे दोस्तों। देखिए 7 3 21 आप पूरा पूरा लिख लीजिए, उसके बाद जो आगे संख्या है उससे एक ज़्यादा 2 है तो 2 3 6, 3 होता तो 3 4 12, 5 होता तो 5 6 30, अर्थात जो संख्या यहाँ है उससे एक ज़्यादा करके गुणा कर देंगे। जैसे दोस्तों 87 गुणे 83, जी हाँ दोस्तों 87 गुणे 83, अब अगर 87 गुणे 83 करना है तो देखिए 7 3 10 हो रहा है तो 7 3 21 हो जाएगा और 8 से एक ज़्यादा यानी कि 9 8 9 72, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 72 21। तो इसीलिए दोस्तों जितना भी 5 का जितना भी वर्ग है, अर्थात जैसे 35 हो गया 45 हो गया 45 हो गया 55 हो गया 65 हो गया 65 हो गया 75 हो गया 85 हो गया, इन सब का वर्ग आप कर सकते हैं बहुत कम समय में। जैसे अगर 85 का वर्ग करना है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको देखिए 85 का वर्ग अगर आपको करना है दोस्तों तो 5 5 25 तो होगा ही, 8 का एक ज़्यादा करिए तो 8 9 72 हो जाएगा। इसका करना है दोस्तों 5 5 25 होगा ही, 7 का 8 बार तो 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों कि अगर 65 करना है तो 5 5 25 हो जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा दोस्तों। तो अर्थात कैसे हम कर रहे हैं दोस्तों, जान रहे होंगे आप कि लास्ट वाले का वर्ग करिए 25 और आगे जो संख्या लिखी है उससे एक ज़्यादा का गुणा कर दीजिए, तो 3 3 का गुणा 4 में तो 3 4 12। इस पर दोस्तों आप 10 15 क्वेश्चन ले करके प्रैक्टिस करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। में कह रहा है कि 54% आप 3500, जी हाँ 54% आप 3500, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 54% निकालना है किसका, 3500 का। और याद रखिएगा जब भी आपको परसेंट मिल जाए, जब भी आपको परसेंट मिल जाए और परसेंट के साथ आपको 100 मिल जाए तो ये 2 0 हमेशा परसेंट से कट जाता है, जी हाँ दोस्तों जो 2 0 है ये हमेशा जो है परसेंट से क्या होगा दोस्तों, ये 2 0 परसेंट से हमेशा कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ 54 बचा और यहाँ 35 बचा, यानी कि 54 गुणे 35, जी हाँ दोस्तों 54 गुणे 35। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा है 33 गुणे 25, अब यही दोनों गुणा करके घटा देना है दोस्तों। तो जब इसका गुणा करेंगे देखिए 5 4 20 की 0 हंसी लगे 2, 5 5 25 और 4 3 12, 25 10 35 2 37, 37 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 39, 39 की 9 हंसी लगे 3 दोस्तों और 5 3 15 3 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 1890। और अगर इसको गुणा करेंगे दोस्तों 25 3 75 75 की 5 हंसी लगे 7, 25 3 75 75 और 7 7 5 12 यानी कि 32। अब देखिए दोस्तों 1890 में से 325 हम घटा देंगे, देखिए 25 3 75 की 5 हंसी लगे 7, फिर 25 3 75 और 7 7 5 12 82 होगा दोस्तों, ठीक। तो इसका मतलब 890 में से 825 घटा देंगे दोस्तों तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 65 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पर आ जाएगा 65 और यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर आप आगे देख रहे होंगे दोस्तों क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों इंटू में 71 है और जब इंटू वाला 71 बराबर के इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 71। तो देखिए दोस्तों 71 91 71 आ गया, ठीक। हमारे पास कितना बचा, 71 91 71 और हमारे पास बचा, देखिए एक चीज़ तो याद रखिए अगर लास्ट में जैसे देख रहे हैं 5 है यहाँ पे, ठीक लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 आएगा ऑप्शन। तो 71 गुणे 15 करेंगे दोस्तों तो 71 गुणे 15 1065 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा, एक बार वीडियो बैक करके फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और जहां आप 10-15 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको सिंप्लीफिकेशन आसान लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 5/8 आप 976, तब देखिए दोस्तों 8 से इसको काट दीजिएगा तो 8 × 1 = 9 = 17 + 8 = 16 यानी कि 122 आ गया यहाँ पे। और 5 है ये है दोस्तों, तो 5 × 122 करेंगे दोस्तों तो 5 × 2 = 10 की 0 हासिल लगेंगे, 5 × 2 = 11 की 1 हासिल लगे, 1 × 5 = 5 = 6 यानी कि हमारा ये आ गया 610। अब देखिए यहाँ पे बटे 36 है दोस्तों, बटे 36 है तो 36 जान रहे हैं दोस्तों 9 से कटेगा, तो 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45 यानी कि 500/4। फिर इसको काटेंगे तो 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 यानी कि 125 आ गया हमारा किस में, माइनस में आ गया दोस्तों। और इंटू 4 है इसी के साथ, 125 × 4 है तो 125 × 4 करेंगे दोस्तों तो 25 × 4 = 100 और 4 × 4 = 4 यानी कि 500 हो जाएगा, यानी कि 610 माइनस 500 इतने की जहां पे आ जाएगा दोस्तों, 610 माइनस 500 बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा दोस्तों 110। कितना बचा? 110 बचा। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद यहां पर तो आपके पास बचा कितना, 110 बचा भाई, चूंकि हम लोग देखे कि इसको क्या करेंगे दोस्तों, इंटू 4 था तो इंटू 4 से इसको कर दिए। तो अब आगे देखिए, फिर बराबर है बराबर यक्स प्लस 1575। अब यहाँ पर 110 इतने की जहाँ पे 110 आ गया, तो एक मिनट रुक जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है और वो मिस्टेक ये है कि दोस्तों यहाँ पर लगेगा क्या, ब्रेकट, यहाँ पर लगेगा ब्रेकट दोस्तों, ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सही कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग काटे थे इसको तो ये आ गया था 122 और 122 पंचे दोस्तों आ गया था हमारा 610। जी हाँ दोस्तों, और माइनस दोस्तों जब हमने इसको काटा था दोस्तों तो यहाँ पर हमारा आ गया था 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 500/4 और 500/4 का मतलब है दोस्तों 4 × 1 = 4 = 1 = 5 = 10, 4 × 2 = 8 = 10, 4 × 5 = 20 यानी कि 610 में से 125 घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गए 4, तो 485 अब इंटू 4 है दोस्तों, तो इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए 4 × 5 = 20 की 0 हंस लेकिन 2, 4 × 32 = 34 और 4 × 16 = 3 = 19 दोस्तों, 1940 में से ये 1570 घटा दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, 40 में से 70 तो घटेगा नहीं, 40 में से 40 घटा दीजिए 30 बचा, और 1900 में से 30 घटा देंगे दोस्तों तो 1870 बचा, और 1870 में से 1500 घटा देंगे दोस्तों तो 370 हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आप जितना सॉल्व करेंगे, जितना भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आंसर आने लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व कराऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों द स्पीड स्टडी। जी हाँ दोस्तों, द स्पीड स्टडी चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। उसमें आपको इस सारे क्वेश्चनों का हिंट करके, सॉल्व करके उसमें दिया गया है, ठीक, तो आप वहाँ से उसको जो है देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन ना आए वो यहाँ से आकर के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।